स्ट्राइक के पक्ष में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर भी अब आगे आए हैं। बता दें कि नॉन प्रैक्टिस अलाउंस की बहाली को लेकर हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर्स 29 मई से पेंडाउन स्ट्राइक पर हैं, जहां एक और सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक डॉक्टर्स पेंडाउन स्ट्राइक कर रहे हैं, तो वहीं काला रिबन बांधकर एनपीए बंद कर जो है सरकार के फैसले का लगातार विरोध भी किया जा रहा है। कहना चाहूँगा कि जो अनरेस्ट हुआ है डॉक्टरों के बीच में, ये मैं कहूँगा ये असामयिक है और इसके बारे में सरकार को दोबारा से पुनर्विचार करना चाहिए, ताकि जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं और जो प्रदेश की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर गुणवत्ता को ध्यान में रखा जाए, इंस्टीट्यूशन के खोलने की अगर बात की जाए, हिमाचल प्रदेश पूरे भारतवर्ष में जो है वो पहले नंबर पे है, जहाँ पे हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस रूरल एरिया में, डिफ़िकल्ट एरिया में और हमारे हिमाचल प्रदेश में खुले हैं। इसलिए इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मेरा ये निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, कि तुरंत उसके ऊपर जो है वो विचार किया जाए और ये जो डॉक्टर्स लोग हड़ताल पर गए हैं या इन्होंने जो शुरुआत करी है, ये और उग्र रूप धारण न करे, जिसका सीधा प्रभाव जो है वो